भाई पंजाब में तो यार यही सब चलता है। तो मोटा खर्चा होने वाला है गाइस आज। ये है मशहूर लुधियाना का तो गाइस ये देखो जी, ये देखो। तो ये भाई साहब 2,80,000 के आसपास। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमन यू के 12 में। जी हाँ, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऐसे और सामने आप देख रहे हैं जा रही है लंडी जीप जिसमें लगे हुए भाई साहब ह्यूज मॉन्स्टर टायर्स। काफ़ी शानदार लग रही है यार। भाई पंजाब में तो यार यही सब चलता है। अभी है दिन और कड़ी वाली धूप लगी हुई है और करीब बज रहे हैं 3:30 दिन के। फिलहाल सूरज के पास जा रहा हूँ मैं और मिलवाते हैं उससे, चलते हैं कहीं, देख लेना आप लोग आगे व्लॉग में। और यार काफ़ी लेट हो चुका हूँ भाई साहब, उसका मेरे को कम से कम 2 घंटे से फ़ोन आ रहा है कि भाई साहब आ जा। मैंने कहा आ रहा हूँ और फॉर श्योर गालियाँ बढ़ने वाली हैं और अभी भी उसका कॉल आ रहा है। सो अब तो पहुँचने वाला हूँ उसके पास। पहुँच गया। उसको खुद गाली पड़ी इधर से। देख लो भाई, अब लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। नमस्ते आंटी। सो गाइस अपन आ चुके हैं मेन रोड पे और ये आप देख सकते हैं मोंटी कार्लो। वाओ, व्हाट अ नाइस प्लेस। और फिलहाल सूरज को पिक कर लिया है और अभी रिसेंटली कल बारिश हुई है तो थोड़ी सी मतलब गर्मी कम लग रही है, लग तो रही है लेकिन कम लग रही है। सो गाइस आप लोगों को हमने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बेसिकली हम जा रहे हैं, शायद आपने टाइटल थंबनेल में भी देख लिया होगा, जी हाँ, आज हम लेने जा रहे हैं कैमरा। और कैमरा कौन सा है? सोनी का M4। मुझे नहीं पता कौन सा है लेकिन सूरज का काम ही हुई है ना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, सो वो लेने जा रहा है अपने लिए सोनी M4, जो कि अराउंड पड़ेगा विथ लेंस 250K, यानी कि 2.5 लाख। सो मोटा खर्चा होने वाला है गाइस आज। सो गाइज अभी अपन आए थे यहाँ पे और सामने आपको शॉप दिख रही है ना, तो जी हाँ यहाँ आए थे हम रैप पता करने। जी हाँ, जो रैप हमें चाहिए था तो वो यहाँ पे मिल गया, सो फाइनल कर दिया हमने, आते टाइम लेके जाएंगे यहाँ से और करवाते हैं फिर इस पर रैप, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है इसका भी, तो वो भी रिवील करेंगे और उसका भी ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया वाला एकदम। सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें यार। और अभी चलते हैं कैमरा लेने। हाँ सो अभी अपन पहुंचने वाले हैं क्लॉक टावर यानी कि घंटाघर, और इधर है दुख निवारण गुरुद्वारा साहिब, वाहेगुरु। और लुधियाना का जो घंटाघर है और जो रेलवे स्टेशन है बिल्कुल साथ साथ में, मतलब अगल बगल में, और सामने है भाई साहब अपने देश का झंडा। कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, लेकिन भाई साहब इस झंडे से ऊपर कुछ नहीं है। जय हिंद जय भारत। अरे वाह, वो देखो गाइस कितना पुराना घर है भाई साहब, बहुत पुराना है, मतलब ऑलमोस्ट टूटने ही वाला है। सो गाइस ये है मशहूर लुधियाना का क्लॉक टावर घंटा घर। बहुत रश रहता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेन जो है कपड़ों की मार्केट भी है आगे से राइट जाके। चलो चलो, फिलहाल ढूंढ रहे हैं पार्किंग। भाई बहुत तगड़ा रश चलता है इधर को। मिल गई बॉस, पार्किंग की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। चलो मिल गई, और ये है अगली शॉप। यहाँ पे तो शायद पहले बात कर रखी है इसने सूरज ने, तो यहाँ से तो शायद फाइनली करेंगे पूरा और लेके चलेंगे, बाकी देखते रहें आगे। कैमरा भी ले लिया है और भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ, और कैमरा आपको घर जाकर दिखाते हैं अच्छे से। और कैमरे के साथ लेंस भी लिया है और कुछ एसेसरीज़ हैं वो भी ली हैं, तो घर जाके बढ़िया से आपको दिखाते हैं। सो फिलहाल तो निकल रहे हैं यहाँ से,
हाँ जी, तो भूख लगी थी भाई साहब बहुत ज़ोर से, तो ज़रा फ्रूट चाट खा लिया। सही है यार, हेल्थी खाओ, बढ़िया खाओ, है ना। तो गाइस ये देखो जी, ये देखो, अब कलर आप खुद ही पहचान लो कौन सा है। सो ये रैप हमने ले लिया यहाँ से, और ये लगेगा अपनी बाइक पे, तो गेस कर लो कौन सा रैप है एक। और ये थी शॉप। हाँ तो भाई साहब शाम हो चुकी है और धीरे धीरे करके अब होने वाला है अंधेरा, आप देख ही सकते हैं। और फिलहाल पहुँचने वाले हैं हम घर ऑलमोस्ट, और घर जाके सबसे पहले तो आप लोगों को कैमरा वगैरह दिखाते हैं। हो मौसम भी यार सही हो रहा है भाई, पूरा बारिश का हो रहा है, फिर होगी बारिश लगता है। ओ धूल, कहाँ चले। हाँ तो गाइस अभी आ चुके हैं घर पे, और यार ट्रैफिक इतना लगा रहता ना, मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा बहुत अभी थक गए, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और फिलहाल इधर आप देख सकते हैं सारा सामान मेस्ड अप हो रहा है। तो जी हाँ, ये वही सामान है। जी हाँ, कैमरा परचेज जो किया है, तो सिर्फ कैमरा ही लिया, कैमरे के साथ मतलब एक लेंस भी लिया है, और कुछ मतलब एसेसरीज़ हैं वो भी ली हैं, तो एक एक करके आपको दिखाते हैं विद प्राइसिंग। हाँ तो भाई, तो इधर पड़ा है सारा सामान, और इधर है सूरज भाई साहब, मोटा खर्चा हो गया इस। तो सबसे पहले ये है जो मेन जो है कैमरा, मतलब बॉडी कहते हैं ना इसको, तो बॉडी MRP आप देख सकते हैं इसकी 2,62,000 MRP है। ये कितने का पड़ा? ये हमें कल ही 2,05,000 की पड़ी बॉडी। हाँ तो डिस्काउंट जितना भी है, तो 2,05,000 का सिर्फ हमें जो है बॉडी पड़ी। और उसके बाद ये था इसका जो लेंस है भाई साहब, जो ये लगा हुआ आगे, तो ये लेंस है अराउंड 83,000 का समथिंग इसकी MRP है। और ये बता कितने का पड़ा? लेंस हमें पड़ा 55,000 का। लेंस पड़ा 55,000 का, 2,05,000 और 55, 2,60,000 इसी का हो गया। और उसके बाद एसेसरीज में बता क्या क्या लिए एक्स्ट्रा। हमने ली एक बैटरी जो हमें पड़ी 5,000 की ओरिजिनल। 5,000 की ओरिजिनल बैटरी भाई साहब, सोनी की 5,000 की ओरिजिनल बैटरी देख सकते हो। लिए कैमरे के लिए दो कार्ड लिए हैं, ये हमें पड़े हैं 7,000 के। हाँ 3,500 का एक कार्ड, 128 GB, 7,000 के दो कार्ड। ये लिया है एक बैग जो कि सही रहता है, मतलब इधर ट्रैवल ट्रोल में भी वाटर प्रूफ है। और काफ़ी स्पेस है, स्पेस बहुत है। ये हमें पड़ा 3,500 का बैग, 2,80,000 के आसपास। मतलब इतना जो है खर्चा आज हो गया है, मतलब मेरा घर जाएगा मोटा, इसमें घर जाएंगे ब्रो। कॉम्प्लीमेंट्री बैग मिला है ना, ये इसके साथ मतलब हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। तो ये है भाई साहब 2,80,000 का मामला। जी हाँ ये, और मॉडल तो भाई बताया नहीं हमने, मॉडल है ये सोनी M4 है ना, Alpha 7 4। तो ये है भाई साहब बातचीत 3,00,000 की, बट क्वालिटी भी है, क्वालिटी मतलब बहुत तगड़ी क्वालिटी है, क्योंकि अब उसका वही काम है। और मैंने आपको बताया नहीं बाय द वे, इसका काम है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो उसके लिए वैसे भी तो ज़रूरी था है ना इतनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्वालिटी अगर देंगे तो क्वालिटी पैसा भी आएगा। बस ये थी वीडियो आज की, भाई को बधाई फिर से, थैंक यू भाई, कंग्रेचुलेशन भाई। देखेंगे इन फ्यूचर कुछ हम भी शूट करेंगे, तो दिख जाएगा वो आप लोगों को। तो बस ये थी आज की वीडियो, होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और हाँ, सूरज का अगर आपको काम देखना है तो इसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका नंबर वगैरह इंस्टा वगैरह वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा होगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है रिगार्डिंग एनी इवेंट या फिर शूट्स रिगार्डिंग, मतलब वेडिंग शूट, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, कुछ भी मतलब शूट्स, म्यूज़िक वीडियो भी, तो इन सब के ज़रूर करें कॉन्टैक्ट फोटोग्राफी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।